अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम रुख हवाओं का जिधर का है उधर के अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम इसमें जान देने वाली क्या बात थी मैं नहीं जानती रोहित समझ सकती हूँ कि हर आदमी की ताकत और कमजोरी का अपना अपना वादा होता है पर कल जब अविनाश उसकी कहानी मुझे सुना रहा था तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो हमारे बारे में बात कर रहा था शायद वो जान गया है सब कुछ इतनी मिलती जुलती कहानी शिवानी वो इंसान के अपने मन का चोर होता है वही रोहित वही तो है मन का चोर कहीं हमारे अंदर भी तो है वो चोर तभी कल बार बार अविनाश की बातें सुनते सुनते मुझे एक गिल्ट महसूस हो रही थी शिवानी है तुम अविनाश से कितना प्यार करती हो तुम कितना प्यार करते हो गायत्री से रोहित छोड़ सकते हो मेरे लिए यह अचानक क्या सवाल हुआ उतना ही अचानक जितना कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं अविनाश से कितना प्यार करती हूं रोहित कहीं कहीं हम लोग एक दूसरे से अपनी अपनी निजी जिंदगियां छुपा कर ही रखते हैं अविनाश का जिक्र मैं नहीं करती तुम गायत्री का नाम नहीं लेते क्या हम दोनों एक दूसरे से सच्चे हैं शिवानी ये बहुत उलझे हुए सवाल है अगर इनका सुलझाव कहीं होता तो ये अब तक हमारे लिए महज सवाल नहीं बने रहते अब तक जवाब भी बन गए होते हैं
क्या बात है शिवानी? तुम आज कुछ और ही मूड में हो। अच्छा, अरे जल्दी आ गए। हाँ माजी, बस यूं ही। चल खाना खा ले। नहीं माजी, बिल्कुल भूख नहीं है। अरे एक तो रोटी खा ले। माजी मैं जरा ऊपर जाती हूँ, जरा लेटती हूँ। जा पिंकी, उसे कुछ चाहिए क्या देख ले। अविनाश चाहता है और तुम? पता नहीं क्यों। शिवानी, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। से कहीं भी अगर बच्चा आ गया तो वो हमें एक दूसरे से दूर ले जाएगा। माँ, भाभी के बाद उल्टियां हो रही है, उनकी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुला दूं? एक मिनट, मैं देखती हूँ। चल चल। गायत्री, तुम जानती हो शिवानी, वो लड़की जिसे अजय चाहता था वो कौन थी? कौन? गायत्री। तुम जानती थी? तुम तो हमेशा उसके साथ रहती थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं शिवानी? मैंने तो तुमसे जिक्र भी किया था। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। वो तो कल रात से मैं काफी परेशान हूं। क्यों? शिवानी, अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था तो गायत्री ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मेरी बीवी है शिवानी। रोहित, मैंने भी तो अब तक अविनाश को कुछ भी नहीं बताया।
और तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत कुछ है। शिवानी तुम चाहती क्या हो? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं रोहित, तुम और मैं। अविनाश और गायत्री भी एक गाढ़े साए की तरह हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या हम अपने इस रिश्ते को कोई अंजाम दे सकते हैं? हिसाब से दोहरी जिंदगियां ही गुजारते रहेंगे। शिवानी आज रहने दो, तुम्हारा मूड आज कुछ और है। मैं भी कुछ परेशान सा हूं। बेहतर यही है कि आज हम बात ही ना करें। हेलो, क्या बात है जान, तुम कुछ उदासी लग रही हो। नहीं अविनाश भाई, ठीक हूँ। ठीक होती तो फिर अपना सर टेबल पर रखकर ऐसी नहीं सोई होती। थैंक यू। तुम यहाँ हॉस्पिटल? मुझे लगा कि मेरी बीबी उदास है, सो मैं चला आया तुम्हारे पास। आखिर देखा तो मेरी बीबी यूं टेबल पर सोई हुई थी आंखें मूंद कर। मैंने कहा कि जगाऊं तो कैसे जगाऊं? मैंने 5-6 बार शिवानी शिवानी कहा लेकिन तुमने सुना नहीं। फिर मैंने फोन किया और फट से तुम उठ गए। कैसा लगा शिवानी? देखो शिवानी, अब हमारा रिश्ता जो है ना, वो एक जादूगर के तोते और राजकुमार का बन चुका है। जब तोते को तकलीफ होती हो सो राजकुमार को, जब तुम उदास होती हो तुम्हें खुश नहीं हो सकता। तुम वो नवनीत को लेकर परेशान हो। शिवानी होता है, मैं भी कुछ पल के लिए बहुत परेशान था। तो वही जिंदगी, वही दौड़। What's the program? घर चले लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? कि हम डिनर बाहर करेंगे। रेस्टोरेंट माय चॉइस, तुम क्या पहनोगी माय चॉइस, फूड माय चॉइस, और बिल हम में से कौन देगा योर चॉइस। मैं दे दूंगी। बात है शिवानी, एक बात कहूं, आई हैव फॉलन इन लव विद यू फॉर द राइट रीजंस। चले या एनीथिंग टू टेक? माय पर्स। आई विल टेक इट, इट्स ओके। पर्स। कम कम कम। बाय बाय। मैं तुझे
क्या बताता, कब बताता? तो शिवानी को चाहता था और मैं गायत्री को पसंद करता था, और वहां शिवानी भी तुझे चाहती थी और गायत्री भी। रोहित, गायत्री एक बहुत ही नेक और साफ दिल की औरत है। रोहित, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें गायत्री जैसी पत्नी मिलती है। और बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें गायत्री जैसी पत्नी तो मिलती है लेकिन वो उसकी कदर नहीं करते। रोहित, तेरी अपनी दुनिया बनने वाली है, तेरा अपना परिवार है जिसे संजोने में गायत्री का बहुत बड़ा हाथ है। उसे कभी तकलीफ मत देना, कभी धोखा मत देना। उसे तो तेरे और शिवानी के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे पता चलेगा तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। रोहित, तो फरेब में जी रहा है लेकिन वो सिर्फ सच्चाई की आड़ में धोखे की बारिश से छुपकर बैठी है। दोस्त, हो सके तो अपने कदम मोड़ ले। दो घर और कई जिंदगियों को बचा ले रोहित। तेरा ही तो है पिंकी। एनीवे, अभी जो है वो मेरा ही है। क्या हुआ है पिंकी? भैया, भैया मैं बुआ बनने वाली हूँ। आशीष मामा बनने वाला है। और भैया भाभी इज प्रेग्नेंट। रेस्टोरेंट है जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे। क्यों? मैम साहब को पसंद नहीं आया। ठीक है, देखो मैम साहब, हमारा नसीब हमें याद आ रहा है। मैंने तुम्हारे सामने सारे रेस्टोरेंट्स को फोन किया, सब फुल थे, यही अवेलेबल है। आई लाइक दिस प्लेस। मैं एक बात कहूं, मानोगे? शिवानी, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। प्लीज, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ, चलो कहीं और चलते हैं। शिवानी, हमारा नसीब हमें यहाँ लाया है, नसीब को कभी मत टूटना। Yes sir, a table for Mr. and Mrs. Alina Singh sir. Yes please. आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा? हाँ? क्यों?
तुम ही बताओ, तुम ही को अच्छी लग रही है। अच्छी तो सबको लग रही होगी, लेकिन किसी के पास हिम्मत ही नहीं आगे की। मैं जो बैठा हूं। क्यों? हक मैम साहब, हक जो किसी के पास नहीं, सिर्फ कमाल है। किसने भेजा? सर, भेजने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया। ठीक है, तुम जाओ। कमाल है, पीला फूल तो सिर्फ मैं भेजता हूं या देता हूं। खोलो तो सही, नाम तो देखे उसका। नहीं नहीं अविनाश, किसी ने यूं ही मजाक में दिया होगा। शिवानी, मजाक को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। लो, खोलो। Keep shining, keep smiling. तुम भी उदास अच्छी नहीं लगती। मैं वो हर पल मरता हूं जब जब तुम्हारे होठ पर मुस्कान नहीं होती। I love you, तुम्हारा पति अविनाश। सारे इंस्ट्रक्शंस फोन पे दे दिए थे। अगर तुम और मैं यहाँ आते ही नहीं तो फिर ये सब कुछ। लेकिन अब तुम जहाँ चाहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बड़ा वही बात। अब हम यहीं पे बैठेंगे। इट्स गुड। वेटर। जीजू वहां बैठते हैं, एसी के नीचे। क्यों? एसी।